हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बस परिवार कैंप्स के बारे में, जो चितकुल में है, किन्नौर में। ये आपके पास बाहर का पूरी खूबसूरत व्यू है। हम आपको अंदर का थोड़ा कैंप का टेंट की लोकेशन दिखाते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये है इसका रेंट 2500। तेज की भैया, ये भैया यहाँ पे जो इसका ट्रिपल शेयरिंग हो जाता है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं ना हम गद्दा। अच्छा, इसका 2500 रेंट है, ट्रिपल शेयरिंग के साथ है। ट्रिपल शेयरिंग या चार बंदे भी रुक सकते हैं, चार बंदे भी रुक सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगवा देंगे आप। अच्छा, और यहाँ वॉशरूम ये अटैच है। अटैच वॉशरूम है, गर्म पानी मिल जाएगा भैया? हाँ जी, सुबह के टाइम मिल जाएगा आपको गर्म। ये आपका अटैच वॉशरूम है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ पे। चलो, यहाँ पे मैनेजर है इस कैंप साइट के, मैं उनसे मिलाता हूँ। हेलो भैया। हेलो सर। तो आप थोड़ा बताएं आपके कैंप के बारे में, यहाँ पे कितने आपके टोटल टेंट्स हैं? हमारे पास सर 14 कॉटेज है, 14 कैंप्स हैं। ओके। सारे लग्जरी कैंप है, स्विस कैंप है, अटैच के वॉशरूम है। ओके। और तीन जंगल कैंप है। तीन जंगल टेंट्स हैं। ओके। एडवेंचर करने के लिए अगर कोई अपना टेंट ले गया तो आप लगवा सकते हैं। तो उसके चार्जेस क्या लेते हो आप? उसका चार्जेस 300 है। तो उसमें आप उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं या फिर सिर्फ उन्हें लैंड देते हैं रेंट पे? नहीं, जैसे मान लो सर कुछ प्रॉब्लम हो रात को तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रात को? हाँ, पूरा हेल्प करेंगे ना ये। ये इनकी अपनी लैंड है ये सामने, तो यहाँ पे आप अपना टेंट भी खुद पिच कर सकते हैं। तो वॉशरूम वगैरह आप यूज कर सकते हैं? कॉमन वॉशरूम यूज कर सकते हैं। खाना भी आपके यहाँ से यानी खा सकते हैं। तो जो आपका ये 2500 आपने बताया है, तो ये फूड इंक्लूड है या एक्स्ट्रा फूड? अच्छा, रेंट है, फिर फूड आपका अलग से मिल जाता है। फूड के साथ 4000 ओके, 2% के लिए। अच्छा, इंक्लूडिंग फूड के लिए। अच्छा, बाकी कुछ सीजन पे हिसाब से आपका रेंट थोड़ा नेगोशिएबल होगा रेट? वही जैसे सीजन है थोड़ा कम होता होगा, थोड़ा कम हो जाता होगा। ऑफ सीजन में 3500 होगा। अच्छा, 3500 जाए विद फूड। बाकी हम इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप इनसे कॉल करके रेट्स वगैरह उस टाइम के जो रेट होंगे वो आप इससे डिसाइड करके आ सकते हैं। एक बात और, जब भी आए तो BSNL का कनेक्शन लेके आए यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाँ कोई भी सिग्नल नहीं आता, सिर्फ BSNL का आता है, कोई और नेटवर्क कोई नहीं है, जियो नहीं है, एयरटेल वोडाफोन कुछ नहीं है, सिर्फ। अच्छा, एक दो महीने में जियो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे? ओके। तो ये आपको मैं थोड़ा आस पास का देखो, कितना सुंदर है, रिवर के बिल्कुल बैंक पे ये साइट है। तो यहाँ पे इस कैंप के, बसपा रिवर कैंप के ओनर हमारे साथ हैं, ये मैनेजर थे तो ये ओनर हैं। तो सर, इस कैंप के अलावा अगर कोई आता है आपके पास स्टे करने, तो कोई और एक्टिविटीज भी आप करवाते हैं? बिल्कुल, एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, रिवर क्रॉसिंग कराते हैं, रिवर क्रॉसिंग है, ट्रैकिंग कराते हैं, वन डे ट्रैकिंग है, वन डे ट्रैकिंग है, वन डे टू डे ट्रैकिंग है। यहाँ पे ट्रैकिंग अलग है, ये क्या तिरंगा ट्रैक है, वन डे का कौन सा ट्रैक? तिरंगा ट्रैक। ओके, वो उस साइड है। अच्छा, इस साइड ऊपर की साइड है तिरंगा ट्रैक। अच्छा, ग्लेशियर ट्रैक है वो, इस साइड है राइट। ओके। उसके बाद आपका लंका का पास 14 दिन का, गंगोत्री का यहीं से कहते हैं 14 दिन का ट्रैक। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप आते हैं तो उनका वॉलीबॉल खेलना, स्कूल बच्चों के इंटरेक्शन भी सारा कराते हैं। टूरिस्ट हैं उनका वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलना हो, स्कूल बच्चों के इंटरेक्शन भी कराते हैं। अच्छा। तो मतलब कि आप खाली कैंपिंग के साथ साथ अगर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहो तो वो भी, ट्रैकिंग है, रिवर क्रॉसिंग है, और बाकी आप, हम नंबर डाल ही रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे फोन पे बात करके आप अपना अरेंज कर सकते हो। आपका कितना बड़ा ग्रुप है? मतलब कि पूरे हिमाचल में आप किन्नौर और स्पीति की तरफ जाना चाह रहे हो, तो भैया ऑनर यही है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके ये आपका पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा देंगे।